सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज बिल्कुल भी एनर्जी नहीं है, थोड़ी सी तबीयत खराब है आज अपनी। और पहले तो सोचा था कि कुछ भी ब्लॉग नहीं करेंगे, बट फिर सडनली ये रियलाइज हुआ कि इन्हीं चीज़ों से आगे निकलना है और कुछ ना कुछ दिखाना है आपको, कुछ ना कुछ करना है। तो उसी बात को ध्यान में रखते हुए अभी मैंने 5 बजे ब्लॉग स्टार्ट किया और अभी मेरा दवाई का टाइम हो चुका है, दवाई लेंगे और बहुत मुश्किल से अभी हिम्मत करके खेत में जा रहे हैं। चाहूँ तो मैं ना जाऊँ तो भी काम चल जाएगा, बट थोड़ा सा घूम लूँगा तो थोड़ा शरीर को भी अच्छा लगेगा। एक्चुअली हुआ क्या है कि आज मुझे कल गर्मी थोड़ा सा मेरे को लग रही है कि सेहत की, तो उससे सुबह 4 बजे मेरे को लूज मोशंस और वोमिटिंग हो गई थी, तो सुबह 8 बजे के करीब मैंने इंजेक्शन लगवा लिया। अभी आराम है बट थोड़ा सा मन को अच्छा नहीं लग रहा और नहाया भी नहीं हूँ आज, तो खेत में से आगे नहाएंगे। तो अब आपसे खेत में मिलते हैं। आप ये टूटे हुए इंडिकेटर देख रहे हैं दोनों तरफ बाइक के। ये सभी के घर में कोई ना कोई बच्चा होता है, वो काम करके लाते हैं ये तोड़ फोड़ वाले। और हमारे घर में ये काम करते हैं मेरे पिताजी फिलहाल के लिए, क्योंकि उनको अभी है ना बाइक चलाने में थोड़ा सा अभी डर हो गया है। 2019 में उनका एक्सीडेंट हो गया था किसी गाड़ी से, इसी बाइक पर। उसके बाद में उन्होंने ठीक होने के बाद कुछ टाइम तक एक इलेक्ट्रिक बाइक चलाई है, इलेक्ट्रिक स्कूटी जिसको बोलते हैं अपने आम भाषा में। और अभी उनके पास एक्टिवा है, तो वो इसी पे कंफर्टेबल ज़्यादा फील करते हैं और इसी पे ही थोड़ा ज़्यादा घूमना फिरना प्रेफर करते हैं। और बाइक टूटना ये आम बात हो चुकी है अब मेरे लिए, अब मैं ध्यान भी नहीं देता इस पर, बिकॉज ये बाइक जाती है सुबह सुबह मंडी, और मंडी में सुबह सुबह ही कुछ ड्रिंक करने वाले, खाने पीने वाले बेवड़े काइंड ऑफ लोग आते हैं, तो ये वहाँ आम बात है, वहाँ कोई ध्यान नहीं देता इन चीज़ों पर। और चलिए जी, ये वैसे ही मैंने बता दिया आपको। अभी का सीन ऐसा है कि कोई सीन नहीं है, छोटा मोटा काम मेरे से जितना भी बनेगा मैं करूँगा, स्टिल मेरी तबीयत अभी भी ख़राब है। पर वही मेरे को कुछ करना था, कुछ भी ब्लॉग करना था आज, मतलब कुछ भी तो नहीं बट ब्लॉग करना था आज, क्योंकि मैंने बोला ना थोड़ी देर पहले कि इन्हीं चीज़ों से मेरे को बाहर आना है। ये मेरे बहानेबाजी और एक्सक्यूज़, फ़ोन ख़राब, ये ख़राब, बैटरी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, तो इनसे बाहर आने के लिए मैं कुछ ना कुछ ट्राई करता रहूँगा और होप करता हूँ कि आपको मैं ज़्यादा बोर ना करूँ। तो अभी दिखाने को बहुत कुछ है बट फ़ोन में थोड़ी बैटरी अभी फ़िलहाल के लिए कम है, ये एक्सक्यूज़ नहीं है। मैं आपको स्क्रीनशॉट शेयर कर देता हूँ इस टाइम का, नहीं नहीं इतना तो भरोसा करते हो आप मेरे पे। तो चलिए अब फिर थोड़ा बहुत काम करके आपको सीधा मिलते हैं घर। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, खेत साड़े के बाद में कुछ देर विश्राम करने के बाद, खाना खाने के बाद, हम अभी कुछ नहीं करने के काबिल बचे हैं क्योंकि तबीयत थोड़ी सी अभी नासाज हो चुकी है। तो अभी तक मैं घर पे कुछ ब्लॉग कर नहीं पाया था, कारण ये था कि पड़ोस में से एक बारात जाती थी और वो काफ़ी देर से यहीं पे खड़े थे, तो उस चक्कर में कुछ बात नहीं कर पाए। तो अभी मैं ब्लॉग को यहीं पे एंड कर रहा हूँ, छोटा सा ब्लॉग बनाया ये, क्योंकि कोई एक्सक्यूज़ नहीं चाहिए अब किसी भी चीज़ के लिए। तो मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा कि अपनी सेहत का, अपनी तबीयत का इस गर्मी में ध्यान रखें। इस बार गर्मी सारे रिकॉर्ड तोड़ रही है और टेम्परेचर कहीं कहीं 50+ भी जाएगा। हरियाणा में, हिसार में सबसे गर्म और सबसे ठंडा रहता है हिसार। तो जितने भी आसपास के लोग हैं, कृपया अपनी तबीयत को थोड़ा सा ध्यान में दें और गर्मी में ज़्यादा ना निकले। और सबसे बड़ी बात, जो गलती अक्सर मैं कर देता हूँ, कूलर और एसी से निकल के सीधा धूप में जाना, वो चीज़ें मत करो। ठंडा पानी अवॉइड करो पीना, नॉर्मल टेम्परेचर का पानी पीजिए। बाकी आप सभी समझदार हैं, मुझे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी मुझे एज ए छोटा भाई लगा कि मैं आपको बताऊं ये सभी बातें बोलूं आपसे। और व्लॉग को लंबा ना खींचते हुए आपसे अभी अलविदा लेते हैं। अगर ये वीडियो आपको किसी भी कारण से, छोटे से कारण से, अगर अच्छी लगी हो, बुरी लगी हो, आप अपना एक मन का जो रियल कमेंट है वो एक ड्रॉप कर दें। और कृपया करके वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें।
धन्यवाद, फिर मिलते हैं किसी वीडियो में, तब ठीक करके आएंगे बिल्कुल पावर के साथ। आज इतनी पिच लो में बात नहीं करेंगे फिर से, ठीक है जी, गुड नाइट।